नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे की खबर के साथ में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा है और ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक को इस दौरान कई बंपर सौगातें मिलेंगी। 16,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को देंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके बाद बेंगलुरु से मैसूर का सफर आसान हो जाएगा। 3 घंटे के सफर में सिर्फ 75 मिनट लगेंगे। तो कर्नाटक दौरा कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव कर्नाटक में होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। कई मायनों में यह दौरा बेहद अहम है। इस दौरान पीएम मोदी कर्नाटक को बंपर सौगात भी देंगे। करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे भी राष्ट्र को आज समर्पित किया जाएगा। 118 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसके बनने के बाद अब बेंगलुरु से मैसूर का सफर 3 घंटे से घटकर सिर्फ 75 मिनट का रह जाएगा। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी मांड्या में प्रमुख सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। फिर 3:15 बजे हुबली धारवाड़ में भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6ठा कर्नाटक दौरा है। अगर बात बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की करें तो इसमें 4 रेल ओवरब्रिजों, 9 ब्रिज, 40 छोटे पुल और 89 अंडरपास हैं। इसके अलावा पीएम हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत करीब 520 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयदेव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। अस्पताल को करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। जलापूर्ति बढ़ाने के लिए पीएम मोदी रवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखते हुए भी नजर आएंगे। इसे 1040 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठी बार इस साल कर्नाटक पहुंचे हैं और कर्नाटक का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में इसी साल मई जून में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं जो कर्नाटक के समीकरण है, चाहे वो लिंगायत जनजाति को लेकर के हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि विकास योजनाओं के दम पर कर्नाटक में बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीते। लेकिन अब चुनावों पर इस दौरे का कितना असर पड़ेगा, प्रधानमंत्री के 6 जो दौरे इस साल में हुए हैं कितना असर कर्नाटक में चुनाव पर पड़ पाएगा, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। और क्योंकि अभी भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त है, तो इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उम्मीद जताई जा रही है कि और दौरे करते हुए भी कर्नाटक के नजर आएंगे और कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कर्नाटक के लोगों को देंगे। बुलेटिन में बात उमेश पाल हत्याकांड की भी कर लेते हैं। दरअसल स्वाइस्ता प्रवीण की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अतीक अहमद की पत्नी स्वाइस्ता प्रवीण पर प्रयागराज पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रख दिया है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। अतीक की पत्नी स्वाइस्ता प्रवीण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वाइस्ता प्रवीण पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। उमेश पाल हत्याकांड में भी स्वाइस्ता प्रवीण आरोपी है। स्वाइस्ता से मिलने प्रयागराज के शूटर गए थे, ये जानकारी मिल रही है। 2.5 लाख के इनामी स्वाबिर के साथ में इस वायरल फुटेज में स्वाइस्ता परवीन नजर आई थी। तो अतीक की पत्नी स्वाइस्ता परवीन की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अतीक के करीबियों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम साबरमती जाएगी, रवाना यहां से हो गई है। प्रयागराज से बाकायदा टीम रवाना कर दी गई है और अब अतीक अहमद से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जाएगी। उसके गुर्गे कहां पर छुपे हुए हैं इसको लेकर के भी सवाल जरूर अतीक अहमद से पूछा जाएंगे। तो बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है और सबसे बड़ी खबर यह कि अब स्वाइस्ता परवीन कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। प्रयागराज पुलिस ने स्वाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया है।
सीसीटीवी फुटेज सामने आया था 5 दिन पहले का, ये उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और इसमें अतीक अहमद गैंग के कई शूटर्स के साथ में साइस्ता परवीन नजर आ रही थी, जिसके बाद अब प्रयागराज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 25,000 रुपए का इनाम उनके ऊपर रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अतीक के बेटे असद पर भी पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। शूटर साबिर पर भी 2.5 लाख रुपए का इनाम है। और इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार धरपकड़ तेज कर दी गई है, लगातार कोशिशें लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर अतीक के करीबियों और अतीक के परिवार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। एक और साइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का नाम रखा गया है। दूसरी ओर अतीक के करीबियों की लिस्ट भी तैयार की जा चुकी है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले इस पूरे मामले को लेकर हमने होती हुई देखी थी, और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब इस मामले में आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी, और जो शुरुआत होगी वो गुड्डू बम्बाज के ठिकाने से होगी। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि प्रयागराज पुलिस ने जब ये पूरा मामला दर्ज किया था तो उसके बाद से अब 20 अवैध संपत्तियों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। और जो ये लिस्ट तैयार की गई है, ये लिस्ट पर जो अतीक अहमद है उसके करीबियों की अवैध संपत्ति की ये पूरी लिस्ट है, और इसमें अब आगे बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। और जो कार्रवाई की शुरुआत होगी, जानकारी ये मिल रही है कि गुड्डू बम्बाज के घर से इसकी शुरुआत की जाएगी। हालांकि इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, और फैसला जो है वो सोमवार तक इस पर होना है। तो कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार ये संदेश देती हुई नजर आ रही है कि किसी भी सूरत में जो भी हत्या के दोषी हैं उन्हें बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई आई है, और अब आगे भी बुलडोजर का एक्शन देखने को इस पूरे मामले में मिलने वाला है। अब बात बीआरएस नेता के कविता की भी कर लेते हैं, जिनसे ईडी ने पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है, और अब जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि इससे पहले 16 तारीख को एक बार फिर से ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। तो बीआरएस नेता की कविता को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 16 मार्च को फिर से के कविता ईडी के सामने पेश होंगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर उनसे पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। कल भी उनसे पूछताछ हुई थी। शनिवार को ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ के कविता के साथ में की थी, और इस दौरान कई अहम सवाल उनसे पूछे गए थे। और जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के सामने बिठाकर के कविता से पूछताछ की गई थी। कई अहम खुलासे इस मामले में कविता के बयानों के आधार पर हो सकते हैं, और के कविता भी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो पूरी तरह से ईडी का सहयोग करेंगी जांच के दौरान। और अब जब 16 मार्च को उन्हें बुलाया गया है, तो अब उस दिन कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी रहेंगी। आपको बता दें कि 16 मार्च को अब के कविता को ईडी के सामने पेश होना है, और कल जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो इस दौरान उनका जो फोन है वो भी जब्त कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान जब के कविता से उनका मोबाइल फोन मांगा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो मोबाइल फोन है वो घर पर है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को घर पर भेजा गया, वहां से उनका मोबाइल मंगवाया गया। और जानकारी ये मिल रही है कि जो फोन नष्ट किए गए हैं उनको लेकर के भी के कविता से पूछताछ की गई है। रामचंद्रन पिल्लई जो इस पूरे मामले में आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, 13 मार्च तक वो ईडी के हिरासत में है, इस दौरान उनके सामने बिठा करके पूछताछ की गई है। यानी कि कुल मिलाकर सीबीआई जो साउथ ग्रुप इस पूरे मामले में सामने आ रहा है उससे के कविता के किस तरह के संबंध है इसको लेकर के पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई की टीम भी के कविता से पूछताछ कर चुकी है, और अब जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि 16 मार्च को जब पूछताछ दोबारा होगी तो उसके बाद गिरफ्तारी भी के कविता की हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है, और ईडी और सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के सवाल भी कई तरह के खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें जब ईडी के सामने के कविता पहुंची थी वो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो कुल मिलाकर पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है, और शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही तिहाड़ जेल में हैं, उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। उनकी जमानत पर भी
20 तारीख के बाद सुनवाई होनी है, यानी कि 21 मार्च को सुनवाई होनी है। तो शराब घोटाले के जो तार दिल्ली से लेकर के साउथ ग्रुप तक, यानी कि दक्षिण तक जुड़े हुए हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए लगातार ईडी और सीबीआई लगी हुई है। साउथ ग्रुप पर यह आरोप लगा था कि सहूलियत देने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार को, मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। और उन तमाम आरोपों को लेकर के जो है वो पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। आरोप के कविता पर यह भी है कि जो पिल्लई हैं, उनका जो एक कंपनी है, उनकी जो कंपनी है रॉबिन एलएलपी के नाम से जो कंपनी है, उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। इस तरह की जांच निकलकर सामने आ रही है, इस तरह के आरोप लगातार जो है वो के कविता पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में जब पूछताछ होगी, उसके बाद ईडी जो है के कविता को गिरफ्तार भी कर सकती है, यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो शराब घोटाले को लेकर के पूछताछ का सिलसिला अभी और कितना लंबा चलेगा, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। बुलेटिन में बात सीआईएसएफ के स्थापना दिवस की भी कर लेते हैं। दरअसल हैदराबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। इस दौरान साफ संदेश अमित शाह ने दिया है कि मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी रहेगी। सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस समारोह की परेड में अमित शाह शामिल हुए हैं। एनआईएसओ हैदराबाद में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी रहेगी। आपको यह भी बता दें कि पहली बार दिल्ली के बाहर सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। तो ये वो तस्वीरें हैं सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह की, जब अमित शाह इसमें शामिल हुए थे। सीआईएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए अमित शाह इस दौरान नजर आए। साफ तौर पर अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो जीरो टॉलरेंस की नीति मोदी सरकार इस पर अपना रही है वो लगातार जारी रहेगी। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से सरकार निपटेगी। और पीएम मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो विजन पेश किया है, जिसके लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि की सुरक्षा बेहद जरूरी है, सीआईएसएफ उनकी सुरक्षा करेगा जैसा कि वे पिछले 53 सालों से करते आ रहे हैं। गृह मंत्रालय बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि की सुरक्षा के लिए आने वाले वक्त में सभी तकनीकों के साथ सीआईएसएफ को मजबूत करेगा। ड्यूटी के दौरान कई सीआईएसएफ कर्मियों ने अपनी जान भी गंवाई है, सीआईएसएफ के कारण नक्सली और आतंकवादी नियंत्रण में है। तो सीआईएसएफ की तारीफ करते हुए, जो देश की सुरक्षा में सीआईएसएफ का योगदान है उसका जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। आपको यहां पर यह भी बता दें कि सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को भारत की संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। तब से हर साल 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल सीआईएसएफ का वार्षिक स्थापना दिवस समारोह हैदराबाद में आयोजित किया गया। इससे पहले शनिवार को अमित शाह ने यह भी कहा था कि सीआईएसएफ भारत की आंतरिक सुरक्षा के स्तंभों में से एक है। यह पहली बार है सीआईएसएफ राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बाहर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कर रहा है। पहले हर साल ये गाजियाबाद में दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित सीआईएसएफ मैदान में आयोजित किया जाता था। पिछले साल अमित शाह गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल हुए थे। और जब हैदराबाद में इस समारोह का आयोजन किया गया तो एक बार फिर से अमित शाह इस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में रंग पंचमी की धूम देखने को मिल रही है, और इसकी शुरुआत उज्जैन के महाकाल मंदिर से हो चुकी है। आपको बता दें कि उज्जैन के महाकाल मंदिर से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रंग पंचमी की धूम देखने को मिली है। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाकाल मंदिर से रंग पंचमी की शुरुआत हुई है। भगवान महाकाल को टेसू के फूलों से बना रंग सबसे पहले लगाया गया था। भस्म आरती के बाद भक्तों पर भी रंग फेंका गया है। गर्भगृह से नंदी हॉल तक अबीर गुलाल उड़ता हुआ नजर आया है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भक्तों पर अबीर गुलाल फेंका जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को ही पुजारियों ने 3 क्विंटल टेसू के फूलों से रंग बनाकर तैयार किया था, और जब
रंग बनकर ये तैयार हुआ, उसके बाद प्राकृतिक रंग सबसे पहले महाकाल को लगाया गया और उसके बाद भस्म आरती के दौरान जो भक्त वहां पर पहुंचे थे उन पर भी अबीर गुलाल फेंका गया है। तो ये तस्वीरें सीधे उज्जैन की आप देख रहे हैं। महाकाल मंदिर परिसर में रंग उड़ता हुआ नजर आ रहा है, हर ओर हर चेहरा रंग से सना हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रंग पंचमी की धूम हर साल देखने को मिलती है और इस त्योहार की अपने आप में ही एक अहम मान्यता है और जो गेर निकलती है इंदौर में खासतौर पर उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। उस गेर में जब टैंकरों से पानी बरसता हुआ रंग बरसता हुआ नजर आता है तो दृश्य देखने लायक ही बनता है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त महाकाल मंदिर की ये तस्वीरें हैं, पुजारी आपको रंग बरसाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो रंग पंचमी का उल्लास सुबह से ही महाकाल के मंदिर में दिखाई दे रहा है। पंडित पुजारी और भक्त रंगों से सरोबार नजर आ रहे हैं। गर्भगृह से लेकर नंदी हॉल तक रंग उड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले भगवान महाकाल को यहां पर रंग लगाया जाता है और वो परंपरा आज भी इसी के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी। महाकाल के प्रांगण में तो रंग पंचमी पर्व की शुरुआत हो चुकी है। रंग तरंग की मस्ती में युवा रंग और गुलाल से होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देखते ही बन रही हैं। खूबसूरत ये तस्वीरें हर किसी के मन को मोहती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर समेत कई बड़े शहरों में आपको बता दें कि रंगपंचमी की धूम देखने को मिलती है। इंदौर की प्रसिद्ध रंगपंचमी की गेर पूरी दुनिया के पर्यटकों का ध्यान भी खींचती हुई नजर आ रही है। भोपाल में भी हर साल बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला जाता है। उज्जैन में इस साल से गेर की परंपरा भी शुरू हो रही है। उज्जैन नगर निगम ने इसके लिए खास तैयारियां भी की हैं और जो गेर का जो सिलसिला है, कहते हैं कि पहले जब रियासतें हुआ करती थी तो उस वक्त जो राजा महाराजा होते थे वो प्रजा के साथ में आकर के होली खेलते थे और उसके बाद टोली में लोग वहां से निकलते थे और जो वो राजशाही परंपरा थी उसे लोगों ने आज भी बरकरार रखा है। आज भी नगर पालिका और प्रशासन के लोग निकलते हैं, लोगों के साथ में होली खेलते हुए नजर आते हैं। तो होली की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही है और देश में होली के जो रंग है वो कई दिनों बाद भी लगातार देखने को मिल रही हैं और इसी कड़ी में ये खूबसूरत तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर से भी सामने आ रही हैं। लास्ट बुलेटिन के आखिर में बात कानपुर देहात से आ रही एक दर्दनाक खबर की भी कर लेते हैं। दरअसल एक झोपड़ी में आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से सामने आ रही है, घर में आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। रूरा थाना इलाके के हारमऊ बंजारा डेरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक घर में आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी ये मिल रही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त परिवार के लोग घर में सो रहे थे, इसी दौरान घर में आग लग गई थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से। उसके बाद लोगों को अस्पताल में भी भर्ती किया गया था, जहां पर लोगों का जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज भी लगातार चल रहा है। तो यूपी के कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा हुआ है, घर में आग लगने की वजह से 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। रूरा थाना इलाके के हारमऊ बंजार डेरा गांव का यह पूरा मामला है। झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी जिसमें 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम डीएम एसपी तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटना के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ भी मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, भयावह मंचर आग का देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरह से आग की लपटें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। हादसे को लेकर ये बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले सतीश कुमार की पत्नी काजल और 3 मासूम बच्चों के साथ वो अपने झोपड़े में सो रहे थे। इस दौरान अचानक से झोपड़ी में आग लगती है जिसमें 5ों की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं सतीश की बुजुर्ग मां रेशमा भी इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी
जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के निर्देश दे दिए हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।